नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं दोस्तों नई वैकेंसी के बारे में। तो बिल्कुल टीचर के पदों पर ये बंपर वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों इसमें आपको टोटल पद 14,428 पद देखने को मिल रहे हैं, और साथ दोस्तों योग्यता बीएड और भी कई योग्यता है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और एज लिमिट रहने वाली है 18 to 35 ईयर्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताएंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार से आया है, तो इसलिए पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पाना चाहते हैं कि कोई भी नई भर्ती आए, स्पेशली अगर टीचर की नई भर्ती आती है, तो उसका वीडियो आप तक सबसे पहले एजुकेशन इंडिया चैनल द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने एक नीचे लाल बटन आ रहा होगा, जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो 14,428 ओपनिंग्स, सीजी व्यापन रिक्रूटमेंट लेक्चरर एंड टीचर वैकेंसी, लास्ट डेट रहने वाली है 12 मई 2019। तो आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी सीजी व्यापन ने लेक्चरर एंड टीचर के पदों के लिए बंपर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हम बता देंगे आपको किस प्रकार से आ रही है। जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ रहने वाला है, और जो पद है वो असिस्टेंट टीचर के हैं, जो कि 5,500 से है, और साथ टीचर के पदों के लिए 5745 पदों पर बंपर भर्ती है, और लेक्चरर के पदों के लिए 3177 पद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता किया होनी चाहिए, यह भी बड़ी बात है। तो कैंडिडेट शुड पास्ट हायर सेकेंडरी डिप्लोमा बीएलएड और ग्रेजुएशन बीएड टेट बीए बीएससी और यहाँ बीएससी और बीएससी एड और बीएड, और साथ ही दोस्तों बीएससी एड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। और साथ ही अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 to 35 ईयर्स रहने वाली है। अब दोस्तों इसके लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी, तो आपको बता देते हैं फीस जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 350 से 350 और 250 रुपये पे करनी पड़ेगी जनरल ओबीसी के लिए दोस्तों इस प्रकार से। साथ ही एससी एसटी के लिए 250 रुपये रहने वाली, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 250 रुपये। अब दोस्तों और अगर पेमेंट की अगर बात की जाए कैसे भी पे करेंगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं, आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ विस्तृत विज्ञापन, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर के पत्र क्रमांक FR नंबर 1103/2019-20 अटल नगर दिनांक 9/3/2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय में छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक स्थान विज्ञापन सीधी भर्ती 2019-422 पी अटल नगर दिनांक, तो यह लिखा हुआ है दोस्तों भर्ती को लेकर की कौन सी नंबर है वैकेंसी के। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सीधे यहाँ पर, आपको पूरी सारणी देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्याख्याता के पदों पर है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, और आपको बता दें इसके लिए जो पद हैं टोटल इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। अनारक्षित आरक्षित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए अलग अलग दिए हुए, दिव्यांग हेतु भी अलग से आरक्षित होने वाला ही हो, और टोटल भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि हमने आपको बता दिया, अब ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आपको। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो cgpm.choice.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के बाद 16 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग। इसलिए दोस्तों 16 तारीख का इंतजार कीजिए, जैसे ही फॉर्म फिलिंग आती है तो हम पूरे स्टेप बाई स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग करके बताएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि आप देख सके लेटेस्ट भर्ती के वीडियो सबसे पहले और फॉर्म फिलिंग का वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।